न्यूज इंडिया। आमरण अनशन पर बैठे, जी हाँ, खबर उत्तराखंड के जिला उत्तम सिंह नगर के बातपुर से है, जहां दो दो कैबिनेट मंत्री के होते हुए भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद वेलिंटन पर चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी को लेकर आजाद चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्य मृत्युंजय पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में पिछले लंबे समय से चिकित्सकों के पद रिक्त चले आ रहे हैं, जिस कारण इमरजेंसी मरीजों की हल्द्वानी रुद्रपुर व काशीपुर रेफर किया जा रहा है, जिस कारण इमरजेंसी मरीजों को समय से इलाज न मिलने से अधिकांश रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। मरीजों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आजाद चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र रेफर सेंटर ही बन रहा है। हमारी मांग है कि जल्द ही स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी को पूरा नहीं किया गया तो सभी सदस्य आमरण अनशन पर बैठेंगे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के 16 पोस्ट हैं, जिसमें से 5 पद ही चिकित्सक मौजूद हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की भारी कमी है। उन्होंने बताया कि आज स्वास्थ्य केंद्र के एक डॉक्टर समेत 7 कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके चलते कोविड वैक्सीन लगाने व सैंपलिंग करने में और भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। 16 पोस्ट हैं, जिनमें की खाली स्त्री रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और हमारे यहाँ 2-3 नियमित मेडिकल ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा 4 नियमित मेडिकल ऑफिसर्स, सर्जन की पोस्ट, पीडियाट्रिक की पोस्ट, हड्डियों के डॉक्टर की पोस्ट, ENT की डॉक्टर की पोस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ, ये सारे पोस्ट खाली हैं। 10 स्पेशलिस्ट और 4 मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पद अभी चल रहे हैं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी फ़िलहाल में हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और 6 कर्मचारी भी कोविड संक्रमित हो गए हैं, जिसकी वजह से काम करने में बहुत ही परेशानी हो रही है हमें। क्या और बहुत सारे हमारे फील्ड में भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, वैक्सीनेशन को नियमित रूप से चलाना है, तथा बॉर्डर पे भी हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। काम का वर्कलोड बढ़ते जा रहा है और कर्मचारी पॉजिटिव आने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी उनके सदस्य हैं मृत्युंजय पांडे जी, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें 12 पद है डॉक्टरों के, उसमें से 7 पद हमारे यहाँ खाली है, जिसकी वजह से मरीज तो आते हैं यहाँ मगर यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल ही नहीं, एक रेफ़र सेंटर बन के रह गया है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ से हल्द्वानी रेफ़र करा जाता है और यहाँ से समय उनके लिए बहुत लगता है, उसकी वजह से बीच में मृत्यु भी हो जाती है, लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यहाँ की गरीब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। हम उसी मांग के लिए बैठे हैं कि हमें यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति कराई जाए, जिससे यहाँ की जनता को फ़ायदा मिल सके। हमारे बीच के हमारे भाई मृत्युंजय पांडे जी आमरण अनशन पे बैठे हैं, और अगर ये हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम सब मिल के यहाँ आमरण अनशन करेंगे। अभी तो हमारे भाई बैठे हैं, फिर हम सब लोग यहाँ मिल के आमरण अनशन पर बैठेंगे और अपनी मांगों को हम पूरा करवा के रहेंगे।